गति क्या है? सारा विश्व गतिमान होता है, हम चलते हैं, दौड़ते हैं और साइकिल चलाते हैं। हम पेड़ों से पत्तों को गिरते हुए देखते हैं और पानी को बांध से नीचे बहते हुए भी देखते हैं। एक बात हमेशा याद रखें, भले ही हम निश्चल क्यों न खड़े हों, धरती सूरज के इर्द गिर्द चक्कर लगाती रहती है और सूरज हमारी आकाश गंगा के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। धरती की जो विवर्तनिक प्लेटें हैं वे भी निरंतर हिलती रहती हैं। उनकी गति शायद बहुत कम हो पर वे हिलती जरूर हैं। इतना ही नहीं, जब हम सोते हैं तब हवा भी हमारे फेफड़ों से अंदर बाहर चलती ही रहती है और खून भी हमारी धमनियों में बहता रहता है। आसान शब्दों में कहें तो गति विचलन की वो प्रक्रिया है जिसमें समय के साथ स्थान और स्थिति में परिवर्तन आता है। गति भौतिक शास्त्र का वो भाग है जो ये पढ़ता है कि चीजें किस प्रकार गतिमान होती हैं। गति का अर्थ वस्तुओं के स्थान बदलने तक सीमित नहीं है। ईशान पादचारी मार्ग पर चल रहा है और एक कार उसके पास से गुजरती है। ईशान के लिए वो कार गतिमान है, पर कार में बैठे हुए लोगों के लिए? कार में बैठे हुए लोगों के संदर्भ से देखे तो कार नहीं चल रही है। अगर वे एक दूसरे की ओर देखें तो वे भी उन्हें चलते हुए नहीं दिखाई देंगे। अगर कार वाकई में आराम से चल रही है तो बच्चे सिर्फ इतना बता सकते हैं कि कार चल रही है, वो भी खिड़की से बाहर पीछे जाते हुए पेड़ों इत्यादि देखकर। ये उदाहरण हमें बताता है कि हम गति को किस प्रकार संदर्भ विन्यास के आधार पर समझते हैं। संदर्भ विन्यास का अर्थ निरीक्षक के नजरिए से वो वस्तु जो भले ही गतिमान न हो पर गतिमानता का पता लगाने के लिए उस वस्तु का उपयोग हो। कार में बैठे हुए बच्चों के लिए अगर वे कार में बैठे अन्य बच्चों को संदर्भ विन्यास के तौर पर लें तो वे बच्चे गतिमान होते नहीं दिखाई देंगे, पर अगर वे कार के बाहर की वस्तुओं को संदर्भ विन्यास के रूप में लें तो वे ये कह सकते हैं कि हां वे गतिमान हैं। गति को हमेशा किसी संदर्भ विन्यास के आधार पर नापा जाता है। अलग अलग वस्तुएं अलग अलग पद्धति से गतिमान होती हैं। कुछ वस्तुएं सीधी रेखा में गतिमान होती हैं और कुछ वक्राकार पद्धति से गतिमान होती हैं। कुछ के विशिष्ट अंतर तक बस आगे पीछे करती रहती हैं। इस प्रकार हम गति को तीन प्राथमिक प्रकारों में बांट सकते हैं, रैखिक गति, वृत्तीय गति, दोलन गति। गति का चौथा प्रकार है यादृच्छिक गति, जिसके बारे में हम अभी नहीं पढ़ने वाले। रैखिक गति, वो गति जिसके कारण स्थान में परिवर्तन आता है, उसे रैखिक गति कहा जाता है। वस्तु एक रेखा पर गतिमान होती है बिना किसी आवर्तन के। वो रेखा सीधी हो सकती है या फिर वृत्ताकार भी हो सकती है। अगर वस्तु सीधी रेखा में गतिमान होती है तो उसे रैखिक गति कहते हैं। जैसे कार सीधे मार्ग पर चलती है, गेंद का मैदान पर सीधी रेखा में लुढ़कना या फिर हवाई जहाज का हवा में सीधा उड़ना, ये सारे रैखिक गति के उदाहरण हैं। दोलन गति, वो गति जो दो स्थितियों के बीच में निरंतर झूलती रहती है, उसे दोलनी गति कहा जाता है। इस प्रकार की गति लटकन अर्थात पेंडुलम, कंपित होती हुई तारों में और वाद्यों में पाई जाती है। दोलनी गति काफी दिलचस्प होती है क्योंकि एक दोलन होने के लिए वो एक निश्चित समय ही लेती है। इस प्रकार की गति को सामयिक या फिर आवर्ती कहा गया है और दोलन एक संपूर्ण चक्र पूरा करने के लिए जो समय लगता है उसे अवधि कहा गया है। आवधिक गति ध्वनि, प्रकाश और अन्य तरंगों के अभ्यास के लिए महत्वपूर्ण होती है। निरंतरता वाली इस प्रकार की गति के अभ्यास के लिए भौतिक शास्त्र का एक बड़ा सा भाग समर्पित है। किसी बात को उसी गति से बार बार दोहराना और फिर भी वहीं के वहीं बने रहना, ये सचमुच एक मजेदार बात है। वृत्तीय गति, जब कोई वस्तु घूमती है तब उस गति को वृत्तीय गति कहा जाता है। वस्तु अपने अक्ष पर घूमती है। हमारी धरती निरंतर गतिमान है पर यह गति उसे कहां लेकर जाती है? पृथ्वी को अपने अक्ष पर पूरा चक्कर काटने के लिए 24 घंटे का समय लगता है। सूरज भी यही बात 24 दिनों में करता है। इस प्रकार सारे ग्रह, अंतरिक्षीय वस्तुएं और धूमकेतु यही करते हैं, पर सबका अपना समय होता है। वृत्तीय गति भी आवधिक गति होती है।
खेल में इस्तेमाल होने वाला भौंरा, पहिए का अपने अक्ष के चारों ओर घूमने की गति, ये सारे वृत्तीय गति के उदाहरण हैं।